शिक्षक वही जो हमारे व्यक्तित्व के साथ साथ हमारा सर्वांगीण विकास करे। रजनी तिवारी, सुल्तानपुर इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय संगोष्ठी गणपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहा कार्यक्रम। गणपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुल्तानपुर में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के ख्याति उपलब्ध शिक्षाविदों एवं अध्यापकों ने उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता, उभरती चिंताएं और आगे की राह विषय पर अपने विद्वतापूर्ण विचार से युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन किया। संगोष्ठी के उद्घाटन एवं प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने सहभाग किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनी है, जिसकी मांग आजादी के बाद से चली आ रही है। इस नीति को तैयार करने में देश भर के ख्याति उपलब्ध शिक्षाविदों से विचार विमर्श किया गया और निष्कर्ष स्वरूप ऐसी शिक्षा नीति बनाने पर सहमति बने जो कि हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ साथ आधुनिक तकनीकी कौशल को समेकित किए हुए, जिससे कि युवाओं का भविष्य बेहतर हो। ज्ञान कौशल को समय के प्रवाह के साथ बढ़ाना जरूरी है। ऐसी शिक्षा जो हमारे व्यक्तित्व के साथ साथ हमारा सर्वांगीण विकास करे, वही शिक्षा असली शिक्षा है। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मंतव्य है। इसी कड़ी में उन्होंने देश के महत्वाकांक्षी योजना नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सरकार का क्रांतिकारी कदम बताया। प्रोफेसर रविंद्र सिंह भलियाला, चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा, ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के समक्ष आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला और अपने संबोधन में कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शक पीढ़ी एवं युवाओं का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18 की खास रिपोर्ट में देखें पूरी खबर विस्तार। इस महाविद्यालय तेजस्वी प्रबंधक जी वाजपेयी के वाइस प्रेसिडेंट हुआ है, अब उनका भी क्योंकि आप सभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अभिवादन करता हूं। इस मंच पे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल, हमारे मेंटर के तौर पे मैं दिल से अभिवादन करता हूं। मंच पे आसीन प्रोफेसर अनिल कुमार ठाकुर जी, पूर्व सचिव एंड ट्रेनर इंडियन ग्रुप एसोसिएशन ऑफ पटना के स्पेशल इस कॉन्फ्रेंस की के लिए पधारे हैं, आपका अभिवादन करता हूं। मंचासीन श्री राजेश कुमार मिश्रा जी आईपीएस, आप पहले भी आपका साहित्य मार्गदर्शन मिलता रहा है और डायरेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज आगे बढ़ रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह राणा जी संचालन कर रहे, मोहम्मद शमीम जी हमारे साथ में मंच पे उपस्थित। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और हमारे साथ में भी आप लोगों ने अपने विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा। शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए और समय के अनुरूप शिक्षा को कैसे ढाला जाए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय के अनुसार परिवर्तन होना अनिवार्य है। उसी की आवश्यकता को देखते हुए, अनिवार्यता को देखते हुए करने आए और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे शिक्षाविदों के चिंतन मनन सुझाव के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई और जो आप सबकी चिंता है उसी का के अनुरूप, उसी चिंता को देखते हुए शिक्षा में बदलाव हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करवाने का हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। आप सबको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल में है कि हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता के साथ में आधुनिक तकनीक को बढ़ाते हुए रोजगार की तरफ आगे बढ़े। इसमें अंग्रेजी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीय सभ्यता को आगे बढ़ाना आवश्यक है, नहीं तो अगर हम उनके अनुरूप, उन्होंने जो शिक्षा नीति की वो अपने अनुरूप शिक्षा नीति की थी, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में भी वही नीति रहे। हमारे कॉलेज सभी शिक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छा
कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं कि हमने अभी आजादी का अमृत वर्ष मनाया, हमने आजादी का अमृत काल मनाया और जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो हमारा देश उस समय कैसा होगा उसको बनाने में, युवाओं को अच्छा करने के लिए उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाते हुए उनकी प्रतिभाओं को आगे लाना बहुत आवश्यक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति वही तो है। हम कह सकते हैं गुरुकुल पे तो बहुत पहले से ऐसी शिक्षा दी जा रही थी और इसकी अनिवार्यता भी समय पे कि हमारी शिक्षा में हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूरी तरह से हो जाए इसको लेकर के समय समय पे लगातार संगोष्ठियां हो रही हैं और ऐसे शिक्षक शिक्षा भी उसमें आकर के अपने विचार रखते हैं। आज भी बहुत ही प्रभावी ढंग से अपने विचार आप लोगों ने रखे तभी हमारा देश शिक्षित गुरु बन पाएगा। भाइयों और बहनों आपने देखा कि अभी हमारा देश में हमारी अर्थव्यवस्था 8वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था आ गई और विशेषज्ञ कहते हैं कि इसी तरह से चलता रहा तो बहुत जल्दी हम सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। शिक्षा की बात की जा रही है, आज पूरे देश के शिक्षाविद इकट्ठा हुए हैं तो क्या उद्देश्य है, क्या किस तरह से जो है इस मुहिम को पूरा करने की तैयारी है, किस तरह से? देखिए जो उद्देश्य है और उद्देश्य आपको फलीभूत होता दिखाई भी दे रहा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार बनी थी तो उससे पहले आपने देखा होगा शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो उसके बाद में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना सरकार का कर्तव्य बनता है। हम लोगों ने शिक्षा में बेहतर सुधार किए, नकल विहीन परीक्षा करवानी शुरू की, हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए जो कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। कई शिक्षाविदों से बात करके, विचार विमर्श करके, संगोष्ठियाँ करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें अब क्या होना है, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन होना है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाए उसको लेकर के समय समय पर संगोष्ठियाँ हो रही हैं और शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जिस पे लगातार काम करना है तो हम लोग बेहतर व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं और आपने विद्यालयों में प्राइमरी से लेकर के आपने हायर एजुकेशन तक में देखा होगा शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुए हैं। आगे क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या नया मिलने वाला है? नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 जिसके फायदे अनंत हैं, उसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। वो उसको अगर हम मूल में कहें आपको तो उसके मूल में ये है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के साथ में तकनीक को लेकर के रोजगार की तरफ बढ़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल में ये छुपा हुआ है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का कर्तव्य होता है, उद्देश्य होता है तो उसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो पहले शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसको बदलने के बहुत प्रयास हुए, बहुत बार आंदोलन भी हुए और मोदी जी का धन्यवाद दीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और अनंत संभावनाएं हैं। व्यापक स्तर पर शिक्षकों की कमी है, इसको कैसे? देखिए आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो हम किसी व्यक्ति के विरोध करने पर नहीं जाते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा हो, हमारा भारत उज्ज्वल कैसे बने, हमारा भारत आगे कैसे बढ़े, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध पे नहीं काम करते, हम वोट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, युवाओं का भविष्य तय करना चाहते हैं, बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। उसके लिए जो भी कुछ करना है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार वही काम करने की। शिक्षकों की जो कमी है, आप देखिए कि बहुत जगह शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, कई कॉलेज में हम गए हैं जहाँ पे पहले कमी थी और उसके बाद में वहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई हैं और हम लोग दे रहे हैं शिक्षकों को, जहाँ पे कमी है वहाँ पे भी आने वाले समय में शिक्षक जाएंगे।